को गोंदिया में स्वर्ण पदक वितरण समारोह आयोजित किया गया है। इस समारोह में प्रमुख अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री कमलनाथ, अभिनेता संजय दत्त, वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल उपस्थित रहेंगे। समारोह सुबह 11 बजे डीबी साइंस कॉलेज में आयोजित किया गया है। नमस्कार, मैं साक्षी, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। तुर्की में बहुमंजिला इमारत के अचानक ढहने से 10 की गई जान, अभी भी मलबे में फंसे हैं कई लोग। इस बारे में इस्तांबुल के गवर्नर कार्यालय ने गुरुवार को जानकारी साझा की। तुर्की में एक 8 मंजिला इमारत के ढहने से करीब 10 लोगों की मौत हो गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि तुर्की के सबसे बड़े शहर आइडोस फॉरेस्ट के दक्षिण में इस्तांबुल के करताल के नजदीक बुधवार को गिरी इमारत के मलबे से करीब 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वहीं गवर्नर कार्यालय की ओर से जारी किए बयान में कहा गया कि मलबे से लोगों को निकालने के लिए बचाव कार्य गुरुवार को भी जारी रहा। मिली जानकारी के अनुसार इमारत में 14 अपार्टमेंट्स थे और वहां रहने या काम करने के तौर पर 43 लोग पंजीकृत थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 1992 में निर्मित इमारत को सिर्फ 5 मंजिला तक बनाने की अनुमति दी गई थी। इसका मतलब ऊपर की 3 मंजिले अवैध रूप से बनाई गई थी। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।